बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 8 जो एमडी गेट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, इसमें तीन बेसिक चीज़ें हमने जो है वो पढ़नी है। एक तो आइडियल गैस और प्रेशर रिलेशंस को हमने डिस्कस करना है, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस के बारे में हमें चीज़ें डिस्कस करनी है, और एट दी एंड हमें पढ़ना है डिटेल से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस में शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्टली एंड ब्रीफली फ्रॉम आइडियल गैस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। बहुत आसान टॉपिक है, बस थोड़ी सी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है इस टॉपिक में एंड द टॉपिक विल बी क्लियर। सबसे पहले प्रेशर ऑफ गैस तक जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस को। आइडियल गैस के लिए आप सब जानते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है वो डिज़ाइन की जाती है, कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स, What should be the procedure of identifying a gas to be an ideal gas? तो ideal gas एक imaginary gas है, उसके कुछ points यहाँ पर लिखे हैं जो एक एक करके मैं आपको discuss करता हूँ। इन points को as it is आपने याद रखना है कि ideal gas के molecules कैसे होते हैं। Number वन, ideal gas के जो molecules होंगे वो rigid balls की तरह होंगे, sphere shape होगी इनकी, और point masses होंगे, यानी बहुत छोटे मगर बहुत hard के आपस में collide करें, ठीक है। तो इनकी जो कोलिजन हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो सके। जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा हार्ड या पॉइंट मास होगा उसकी कोलिजन स्टूडेंट्स परफेक्टली इलास्टिक होगी। नंबर टू कंसिडरेशन, के ये मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन मॉलिक्यूल्स में आपने कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन सपोज नहीं करनी। इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब से भी गुजर जाएं तो ये एक दूसरे से अगर कोलाइड नहीं करेंगे तो एक दूसरे पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकते। सो नो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन द गैस ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। फिर के आइडियल गैस को गैस कंडीशन में रखने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेपरेशन है, लेट इट बी सेपरेशन, दिस सेपरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ताकि ये चीज़ क्या रहे, ये गैस सिचुएशन में रहे। फिर आइडियल गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नहीं होने चाहिए, तमाम मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होने चाहिए। आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स, वो क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। आइडियल गैस की डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए तमाम पॉइंट्स पर, यानी ये पूरा कंटेनर है तो जहां तक भी ये गैस एग्जिस्ट कर रही है ऑब्वियसली सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो थ्रू आउट द वॉल्यूम इट्स डेंसिटी मस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट। और लास्ट पॉइंट, क्या आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और एक बात, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल में से सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ना रोटेशनल ना वाइब्रेशनल। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के पास मोशन है तो सिर्फ कौन सा, ट्रांसलेशनल, ऑलराइट। और यही ट्रांसलेशनल मोशन किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे, ना ये वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है और ना ये प्रेशर पे डिपेंडेंट है, ऑलराइट। सो आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी के बाद स्टूडेंट्स अब हम जरा आते हैं ए बी सी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। टू डिराइव द आइडियल इक्वेशन, ए यानी एवोगैड्रोस लॉ के वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बॉयल्स लॉ, वी इनवर्सली टू पी एट कांस्टेंट एन टी, एंड चार्ल्स लॉ, वी प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। इनको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जब हम इन तीनों लॉज को इकट्ठा करते हैं तो V इज इक्वल टू या V इज प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर P। अब प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहां पर हमारे पास फॉर N मोल्स ऑफ अ गैस इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू एन आर टी। अगर आइडियल गैस का एक मोल है आपके पास तो स्टूडेंट्स देन PV इज इक्वल टू आर टी, दैट वुड बी द इक्वेशन, याद रखना है ये। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर डिस्कस करें तो इसकी मैंने मुख्तलिफ यूनिट्स में वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। एक वो वैल्यू जो आपने मस्ट याद रखनी है, 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, यानी ये ओवर के नीचे मोल और केल्विन आएगा। फिर इसी के साथ 10^7 अर्ज जो 1 जाउल की वैल्यू होती है, हम यूनिट्स में पढ़ भी चुके हैं। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और फिर कैलोरीज में, कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, इस तरह से यूनिट इसके याद रखने हैं, ये आपने जो है ना लाजमी याद रखना।
फिर स्टूडेंट्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन में जो एन नंबर ऑफ मोल्स है, इसके आप केमिस्ट्री में भी इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स आर रिप्रेजेंटेड एज एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। इसमें स्मॉल एम है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और एम कैपिटल जो है वो मास ऑफ मोल ऑफ अ गैस, इसे मोलर मास कहते हैं। और ये एन नंबर ऑफ एटम्स है डिवाइडेड बाय एन ए एवोगैड्रो नंबर्स। एक तो ये चीज़ याद रखनी, फिर ये फॉर्मूला जहन में रखना है, ये आगे जाके मैं स्पीड इक्वेशन में आपको ये डिस्कस करूंगा कि एम इज इक्वल टू एम एन ए, कि मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर्स। जैसे कि आप पढ़ते हैं कि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स और आइंस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। सो याद रखना है कि जब इक्वेशन लिखी हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर स्मॉल एन है ना स्टूडेंट्स, तो फिर बात किसकी हो रही है, मोल्स ऑफ गैस की। यही एन ऊपर लिखा हुआ कि एन ओवर एन ए के बराबर होता है, तो इस एन की जगह पर एन ओवर एन ए रिप्लेस किया। नाउ इस एन ए को आर के नीचे लिख दिया, फर्क कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है, सभी डिवाइड हो रहे हैं, आर ओवर एन ए लिख दिया। अब आर ओवर एन ए स्टूडेंट एम डी कैट में एम सी क्यू आ चुका है कि गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, इसे क्या पढ़ा जाता है, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल आर ओवर एन ए। अब आर ओवर एन ए हमारे पास आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है 1.38 10 पावर -23 जाउल्स पर केल्विन। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आता है तो फिर बात मोल्स की नहीं होती, फिर बात मॉलिक्यूल्स की होती। तो यहाँ पर n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर एक मॉलिक्यूल होगा स्टूडेंट तो द इक्वेशन विल बी पी वी इज इक्वल टू के टी। तो एक मोल हो तो पी वी इक्वल्स टू आर टी, एक मॉलिक्यूल हो तो पी वी इज इक्वल टू के टी। अब मैं आपको r और k का एक ही डिफरेंस दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ, जहाँ पे बात मोल्स की हो वहाँ पे r, और जहाँ पे बात मॉलिक्यूल्स की हो वहाँ पर आप किसको देखेंगे, k को। तो ये r और k अब आगे इसी तरह हमारी कैलकुलेशंस में चलते भी रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स इसके। तो एक बात के रियल गैसेस जो होती हैं वो आपको आइडियल बिहेवियर कब शो कर सकती हैं, रियल गैसेस कैन शो यू आइडियल बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये एज इट इज़ एमसीक्यू माइंड में रख लेना है। दो गैसेस को कंपेयर करना हो तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को टू डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ लिख सकते हैं, जैसे ये वन गैस का कंपैरिजन है और ये टू का, फिर इसमें से जो भी चीज़ कंपेयर करनी हो, दोनों के प्रेशर्स कंपेयर करने हैं तो पी वन रेशो पी टू कर लें, दोनों के वॉल्यूम्स कंपेयर करने हैं तो वी वन रेशो वी टू कंपेयर कर लें। इसी तरह जो भी पैरामीटर आपने कंपेयर करना हो आप इस इक्वेशन को आपस में यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर हम एन को वन सपोज कर लेते हैं तो इक्वेशन बचेगी पी वी इज इक्वल टू आर टी। एक एमसीक्यू के पी वी और आर टी दोनों के यूनिट्स, दोनों की डायमेंशन सेम है क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी आ रही। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ग्राफिकली और टेक्निकली समझते हैं, तवज्जो पूरी इधर रखनी है। अगर हम स्टूडेंट्स टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हम इसको ढाल सकते हैं बॉयल्स लॉ में, अगर हम इसी इक्वेशन में प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, और अगर स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो वी विल बी डिस्कसिंग, इसे गे लुजैक्स लॉ कहते हैं और प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाएं पी वी इक्वल्स टू आर टी पे। स्टूडेंट्स अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि आर तो पहले ही कांस्टेंट है, तो ये साइड पूरी कांस्टेंट हो जाएगी, तो हम कहेंगे पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो आप उसे यूं भी लिख सकते हैं पी वन वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू। यहाँ आप बॉयल्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट ये भी बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन इनवर्स है, अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, या वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। सो अगर हम पी और वी का ग्राफ बनाएं तो चूंकि रिलेशन इनवर्स है तो ये इनवर्स रिलेशन ग्राफ्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। अब मैंने दो ग्राफ्स शो किए, वैसे तो एक ही बनेगा सारी बात है, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए कि अगर आप दो डिफरेंट टेम्परेचर्स यूज़ करें, जैसे एक दफ़ा पी और वी का रिलेशन आप देखें टी वन पे, फिर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर पी और वी का रिलेशन, अच्छा ट्रेंड वही होगा, शेप वही रहेगी, लेकिन ये ग्राफ इसी कंडीशन में थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा, यानी नाउ देयर विल बी मोर एरिया अंडर द ग्राफ। सो
चूंकि प्रोडक्ट ऑफ पीवी डायरेक्टली रिलेटेड टू कांस्टेंट टेम्परेचर है, लिहाजा याद रखें, इसमें से इतना हिंट याद रख लें कि जो टेम्परेचर जितनी, जो ग्राफ जितनी हाइट पर होगा वहाँ पे टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा होगा, एक चीज़। फिर अगर आपको ग्राफ इस तरीके से नज़र आए कि पी वी लिखा हो वाई एक्सिस पे, तो चाहे यहाँ पे वी लिखा हो स्टूडेंट्स, चाहे यहाँ पे पी लिखा हो, दोनों की वेरिएशन से जो प्रोडक्ट ऑफ पी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ पी वी शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। और फिर चूंकि ये पी इनवर्सली रिलेटेड टू वी है, ठीक है, या यूं कह लें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ओवर वी। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ होता है, तो पी और अगर वन ओवर वी का ग्राफ होगा तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ऑल राइट, तो ये बॉयल्स लॉ के कुछ ग्राफ जेन में रखने, ये ग्राफ हम आइसोबैरिक प्रोसेस में दोबारा डिस्कस करेंगे। फिर पी वी इक्वल्स टू आर टी में स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रख लेते हैं तो फिर क्या होगा, अब प्रेशर उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आर भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट। यानी अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि वी इज इक्वल टू आर ओवर पी इनटू टी। नाउ सी, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इधर आके डिवाइड होगा वॉल्यूम से, इट मींस वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसी रिलेशन से एक बात ये भी पता चलती है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्ट है, तो हम एक ग्राफ तो यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। फिर जैसे यहाँ मैंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ पी वी वी और पी से वेरी नहीं करेंगे, सिमिलरली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज से वेरी नहीं करेंगे, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। अब लास्ट बात ज़रा गौर से समझनी, ये जो v ओवर t है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये यहाँ पर एज अ स्लोप काम कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम v ओवर t स्लोप देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर स्टूडेंट्स मैं यहाँ से इस तरफ लेकर आता हूँ तो v ओवर t तो स्लोप है, और ये स्लोप यहाँ पे 1 ओवर p के प्रोपोर्शनल है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि स्लोप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सच दैट अगर आपके पास वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ में स्टूडेंट्स दो लाइंस लगी हुई हैं, एक पी वन और एक P2। तो अब तवज्जो से बात सुननी है कि लेट्स से कि आपने एक वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाया प्रेशर P1 पे और एक वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाया प्रेशर P2 पे। अब अगर आपसे मैं ये सवाल कर लूँ कि P1 और P2 में से ग्रेटर प्रेशर कौन सा था, तो आप इस ऊपर वाली लाइन को देख के ना ग्रेटर अज्यूम कर लें। बात क्या है कि जहाँ स्लोप ग्रेटर होगी वहाँ प्रेशर स्मॉलर होगा, क्योंकि V ओवर T यानी स्लोप का रिलेशन प्रेशर के साथ बच्चों क्या है, इनवर्स है। तो जो ग्राफ X एक्सिस से जितना अबव होता है उसकी स्लोप उतनी ज़्यादा होती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें स्लोप और प्रेशर का रिलेशन, तो जहाँ स्लोप ग्रेटर होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। तो इट सिंपली मीन्स दैट जो प्रेशर P1 है यहाँ स्लोप कम है, प्रेशर P2 पे स्लोप ज़्यादा है, तो P1 प्रेशर विल बी ग्रेटर देन P2। अब देखें ट्रिक या टेक्निक ये है कि बज़ाहिर दिखने पे यूँ लगता है ये प्रेशर ग्रेटर है, बट मैथमेटिक्स विल मेक अस इजी, मेक इट सिंपल, कि जहाँ स्लोप ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। तो ये एक पॉइंट अपने पास नोट कर लेना, और इन द एंड पी वी इज इक्वल टू आर टी पे आ जाए। स्टूडेंट्स इफ वी इज कॉन्स्टेंट देन ये वी हम दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे, तो R ओवर V ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। टेम्परेचर इस तरफ आके P से डिवाइड होगा तो P ओवर T सारे का सारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पर भी वही रिलेशन आ रहा है कि P इज़ प्रोपोर्शनल टू T, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P और T का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया। तो स्ट्रेट लाइन रिलेशंस को याद रखना। फिर P ओवर T स्लोप भी है, और ये स्लोप उसी तरह जैसे यहाँ पर V ओवर T प्रेशर के इन्वर्सली रिलेटेड है, ये यहाँ पर V ओवर T प्रेशर के इन्वर्स रिलेटेड है, यहाँ पर P ओवर T वॉल्यूम के इन्वर्स रिलेटेड है, ठीक है। तो अब उसी सीक्वेंस में पहले तो कि P और T की वेरिएशन से चेंज नहीं होंगे, PV की वेरिएशन से चेंज नहीं होगा, VT की वेरिएशन से चेंज नहीं होगा, और PT, P और T की वेरिएशन से चेंज नहीं होगा। आई होपफुल कि आपको ये ट्रेंड समझ आ गया होगा। और अब यहाँ पर अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन देखें दो डिफरेंट वॉल्यूम्स पर, तो बात फिर वही है, यहाँ भी स्लोप का इन्वर्स रिलेशन है, तो स्लोप चूंकि इन्वर्सली रिलेटेड टू वॉल्यूम है,
तो जहाँ स्लोप ग्रेटर है वहाँ वॉल्यूम स्मॉलर है. इट सिंपली मीन्स के वॉल्यूम वी वन ग्रेटर है और वॉल्यूम वी टू स्मॉलर है. तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आइडियल गैस से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हैं. अब हम जो हमारी बुक में प्रेशर ऑफ गैस है उसके कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. तो स्टूडेंट्स इसके बाद आता है टॉपिक प्रेशर ऑफ गैस. सबसे पहले तो मैं एक सिंपल जो इसका लास्ट फार्मूला है वो लिख रहा हूँ कि P इज इक्वल टू 2/3 n0 into एवरेज काइनेटिक एनर्जी. इसकी पूरी डेरिवेशन YouTube पे फ्रेंड्स फिजिक्स पे भी अवेलेबल है. अगर आप रिकॉल करना चाहें सारी डेरिवेशन को तो आई विल सजेस्ट कि आप एक दफ़ा ये डेरिवेशन लाजमी देखें ताकि आप ये रिकॉल कर सकें कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस फार्मूला तक पहुँचते हैं. अब ये जो एन नॉट है ये एन नॉट बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये बात याद रखनी. फिर डेरिवेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज याद रखने हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम 2mv1x, बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आता है बट मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है. फिर टाइम बिटवीन द कोलिजन ऑफ टू फेसेस, यानी एक मॉलिक्यूल एक फेस से दूसरे फेस तक कोलाइड करके जब वापस आता है तो 2L/v1x ये उसका टाइम, और ये फ्रीक्वेंसी इक्वेशन है. तो ये एज इट इज़ आपको MCQ में पूछी जा सकती है, टाइम या फ्रीक्वेंसी इक्वेशन. फिर प्रेशर का एक बड़ा ज़बरदस्त सा रिलेशन आता है, P इज इक्वल टू 1/3 ρv² विच शोज दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस. अब डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स ये मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फिर यहाँ पे वी स्क्वेयर आता है. ये वी स्क्वेयर को आपने बुक में देखना है तो वी स्क्वेयर का बेसिक फार्मूला था v1² + v2² + vn² / n. ये था मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. इससे रिलेटेड MDCAT में स्टूडेंट्स MCQs आ भी चुके हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं ये मीन स्क्वेयर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी. फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि तीन मॉलिक्यूल्स हैं तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी. फिर उनकी वेलोसिटी दी हो 2 m/s, 3 m/s, 4 m/s, तो आपने 3² + 3² + 4² / 3 कर देना है. अच्छा अगर आप ऊपर स्केयर रूट नहीं लेते तो इसको बोलेंगे मीन स्क्वेयर वेलोसिटी. और अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड करें रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पर आपने जो कैलकुलेशन की है आपने उसके ऊपर क्या ले लेना है, स्केयर रूट ले लेना है. ये दो बातें हैं. ये क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस में साथ ऐड करूंगा उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे भी. फिर इसी रिलेशन को दोबारा लिखें कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ρv². अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम 3 को P से मल्टीप्लाई करके डेंसिटी को डिवाइड कर दें और इसका स्केयर ख़त्म करें तो रिलेशन बनता है √3p/density. ये है RMS रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. यहीं से मैं आपको एक रिलेशन याद करवाऊँ कि चैप्टर नंबर 8 पे जाना है आपने, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की इक्वेशन देखनी है कि V साउंड इज इक्वल टू √gamma p/ρ. आई एम होपफुल कि आपको याद आ गई होगी. अब इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड करते हैं. रिलेशन कैसे बिल्ड करना है तो देखें इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें 3 से डिवाइड भी कर दें. ऑल राइट उसके बाद क्या करें, गैमा बाय 3 अलग कर दें तो पीछे क्या रह गया, √3p/density. अब ये जो 3p/density है स्टूडेंट्स ये तो RMS के बराबर है. तो यहाँ पर हमने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड एंड RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑल राइट तो यहाँ तक ये एक रिलेशन हो गया. RMS स्पीड में मैं अभी मज़ीद डिटेल में भी जाऊँगा, ये दैट्स नॉट एनफ थिंग, यहाँ तक काफ़ी नहीं RMS को समझना, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे. फिर दो रिलेशंस मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताई कि PV इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस, PV इज इक्वल टू nKT फॉर n मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस. अब यही रिलेशन जो P इज इक्वल टू 2/3 n0 इनटू काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम यहाँ पे n0 की बजाय लिख दें n/v और V को P से कर दें मल्टीप्लाई तो वी विल गेट दिस रिलेशन, PV इज इक्वल टू 2/3 n × ½mv². अब आगे मैं समझाने के लगा हूँ आपको. अब मैं इस रिलेशन से स्टूडेंट्स आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बनाने लगा हूँ. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशंस कैसे बनानी है उसे गौर से देखना. लेफ्ट साइड पे PV, तो मैंने ये रिलेशन यूज करके PV इज इक्वल टू nRT 2/3 n½mv² लिख दिया. अब देखें n बराबर होता है n/n ने, मैं पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ, n से 1n कैंसिल हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर.
अगले स्टेप में आप एन ए को इस एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम स्मॉल एम है एक मॉलिक्यूल का मास। जब आप एन ए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम एन ए ये तो बन जाएगा मोलर मास। तो ये जो एम एन ए है स्टूडेंट्स, इसकी जगह अब हम कैपिटल एम लिख सकते हैं यानी मोलर मास। तो अब इस पूरी ब्रैकेट को हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलर मास ऑफ अ गैस या मोल ऑफ अ गैस कह सकते हैं। दूसरी तरफ 3 को R से मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये रिलेशन बनेगा के ई इज इक्वल टू 3/2 आर टी फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस या एनी मोलर मास ऑफ अ गैस। अब ये रिलेशन क्या शो करता है कि काइनेटिक एनर्जी प्योरली डिपेंडेंट है किस चीज पे, टेम्परेचर पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देन इसी तरह इसी इक्वेशन को दोबारा यूज करते हुए अब मैं पी वी इज इक्वल टू एन के टी लिख देता हूँ। अब एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड होगा तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देंगे तो इस तरफ आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी लास्ट ईयर, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है और क्लियर कट ये सिलेबस में एज इट इज मेंशन भी है। यानी सिलेबस में मेंशन चीज की इतनी इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट्स के डायरेक्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। आप यूं समझ लें कि एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा ना तो वो सिलेबस अपने सामने रखकर बनाएगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वो आपको क्वेश्चन उस टर्म में से देगा जो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। तो 3/2 के टी में के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, और टी क्या है, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इट मींस जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर है। तो यहां पर आप एक रिलेशन यूज कर सकते हैं कि अगर आप रिलेशन बिल्ड करें तो K2/K1 विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2/T1। और इसका शॉर्टकट फिर मैं आगे वो भी समझा देता हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स के शॉर्टकट्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक प्रेशर ऑफ गैस के कुछ पॉइंट्स। फिर ये बात याद रखनी है कि मोल ऑफ अ गैस हो तो 3/2 RT उसकी काइनेटिक एनर्जी है, यही उसकी इंटरनल एनर्जी भी होगी। अच्छा, यही वैल्यू स्टूडेंट्स मैं आगे जाकर मोलर स्पेसिफिक हीट के टॉपिक में भी यूज़ करूँगा, उसमें जब आपको CP और CV से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा तो वहां पर भी ये वैल्यू जो है वो यूज़ की जाएगी। तो मोल्स के लिए R आएगा, मॉलिक्यूल्स के लिए K आएगा, यहाँ से MCQ आ भी चुका है और आप खुद से कोई भी टेम्परेचर सपोज करके गैस की जो एनर्जी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से एक रिलेशन याद रखें कि एट द सेम टेम्परेचर ऑल द गैसेज हैव सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्योरली फंक्शन ऑफ क्या होती है, टेम्परेचर। अब हम अगली स्लाइड में इन्हीं 2 इक्वेशंस की मदद से स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी या RMS वेलोसिटी है उसके कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स RMS वेलोसिटी के लिए हम अब यूज़ करेंगे यही 2 रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन थी 3/2 RT, ऑल राइट। अब जहाँ R था वहाँ मोलर मास था तो 1/2 कैपिटल M V² 3/2 RT 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस मास को उधर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे वी स्केयर रह जाएगा और अकेली RMS वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस तो इसकी इक्वेशन है √3 RT/M। एक तो ये इक्वेशन है, ये एज इट इज़ आप फॉर MCQ यूज़ कर सकते हैं। वो इक्वेशन जिससे रिलेटेड आपके बुक में न्यूमेरिकल्स भी हैं और MCQs भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं, कि जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एट STP। फिर एक न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट STP। तो उसके लिए ये रिलेशन है, उसी जैसे ये इक्वेशन बनी है ना 3/2 RT से, ये रिलेशन बनेगी 3/2 KT से, ठीक है। कोशिश करना आप इसको खुद डिराइव करें। अब ये इक्वेशन हमें बता रही है कि RMS स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ टेम्परेचर है, यानी अगर टेम्परेचर 4 times इंक्रीज करेगा तो RMS स्पीड 2 times इंक्रीज करेगी। यही इक्वेशन बताती है कि RMS स्पीड इनवर्सली रिलेटेड टू मोलर मास, यानी गैस जितनी हैवी जितनी डेंस होगी स्टूडेंट्स उसमें स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स उतनी ही कम होगी, इनवर्स रिलेशन। देन हम इस प्रोपोर्शनैलिटी से V2/V1 इक्वल्स टू √T2/T1
यहाँ पे एक शॉर्टकट है उसका मैं आगे इस्तेमाल भी बताता हूँ। और मास के लिए वी टू बाई वी वन इक्वल्स टू होगा एम वन बाई एम टू, यानी प्रूविंग द इनवर्स रिलेशन, यानी गैस जितनी हल्की होगी उसकी आर एम एस स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अब ये जो इक्वेशन है 3 kT/m, इसमें स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो कैसे फाइंड करना है, मोलर मास होता है m इंटू एन ए, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है तो एन ए को दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, यानी मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स। अब एक छोटी सी चेंजिंग और से सुननी है, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन का मोलर मास लिखता हूँ तो 32 ग्राम्स लिख देता हूँ, एवोगैड्रो वैल्यू में 23 आता है। अब चूंकि हमने फॉर्मूला में SI यूनिट्स यूज़ करने होते हैं तो हम इसे किलो से मल्टीप्लाई और किलो से डिवाइड भी कर देंगे, यानी यहाँ पे पावर में 3 ऐड कर दें, किलो 10^3 होगा। तो अब आप इसे 32 kg डिवाइडेड बाय 6.02 × 10^26 लिखेंगे। नाउ व्हेन यू विल पुट दिस वैल्यू हेयर, होगा ये कि ये एवोगैड्रो वैल्यू जो है ये फिर ओवर बाय ओवर है, ऐसे है ना कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स, तो ये एवोगैड्रो नंबर्स तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैंने सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिखी हुई है 3K। अब ये T की जगह मैंने 273 लिखा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, एन ए की मैंने वैल्यू लिख दी है, और यहाँ जो मोलर मास आएगा स्टूडेंट्स, अब सिंपली आप उसको kg में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक ड्रिल दे रहा हूँ, वो ये कि आपने ये ऊपर वाली वैल्यूज चेंज नहीं होगी, ये हर दफ़ा कैलकुलेशन में कॉन्स्टेंट होगी। तो आपको एक आसान हल बताता हूँ, कैलकुलेटर पे तकरीबन 2 से 3 मर्तबा इसको सॉल्व करें, ताकि आपका अगर खुदा न खास्ता आंसर गलत होता है तो आपने उसको सॉल्व कर लेना, यानी 3 को 1.38 से 273 से और 6.02 से मल्टीप्लाई करना और यूं पावर्स को 26 में से 23 माइनस कर देना, यानी इस पूरे प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक आंसर निकाल लें, यानी आपके पास ये इक्वेशन यूं बन जानी चाहिए, अंडर रूट ऑफ ये सारी कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय मोलर मास, ताकि नेक्स्ट टाइम आप सिर्फ इस कैलकुलेशन को मोलर मास से डिवाइड करें, बार बार ये कैलकुलेट ना करें। जब आप ये प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स, आपने हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये बार बार इसको सॉल्व करना है, एक दफ़ा रिफ्लेक्सेस में से गुजरेगी तो यू विल एंजॉय इट। और तब आपने देखना है कि किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पर हाइड्रोजन की स्पीड हीलियम से भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। कुछ रेशियोज़ मैंने यहाँ पर दी हुई हैं कि अगर आप कंपेयर करें हाइड्रोजन को हीलियम से तो √2:1 इसका आंसर है, हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से कंपेयर करें मोलर मास में या आरएमएस स्पीड को तो √14:1 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में भी ये रिलेशन गिवन है 4:1 जो है वो इसका आंसर है। तो ये आपने रेशियोज़ भी फाइंड करनी है और यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स को भी वेरीफाई कर लेना। फिर प्रॉब्लम मैंने कहा इस शॉर्टकट से रिलेटेड कैसे सॉल्व करने, तो स्टूडेंट्स लेट्स आपसे कहा जाता है कि T1 टेम्परेचर T है और उस पर आर एम एस स्पीड V है, वो टेम्परेचर फाइंड करें जिस पर आर एम एस स्पीड डबल हो जाए। अब आप बजाय ये रेशो फाइंड करने के आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं T2 = n² T1। अब T2 = n क्या है, कितने टाइम्स करनी है स्पीड, 2 times, तो 2² 4T। इसका मतलब कि अगर पहले ये टेम्परेचर 300 Kelvin था तो अब इस टेम्परेचर को 1200 Kelvin करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम V टू 2V। स्पीड अगर पहले 150 थी तो स्पीड को 300 करने के लिए हमें टेम्परेचर को 4 times इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर आपको 2 temperatures गिवन है और कहा जाता है कि कितने टाइम्स आरएमएस स्पीड इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स, तो देन आप यूज़ कर सकते हैं n = √T2/T1। तो यहाँ तक होगी आरएमएस स्पीड की। अब मैं इस लेक्चर को थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ और फिर उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस, आपने इसको सॉल्व करना है और यूँ हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है थर्मोडाइनमिक्स का वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट में जो समरी पॉइंट्स हमने रिकॉल करने हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT भी है, अगर एक मोल होगा तो इक्वेशन रह जाएगी PV = RT। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nKT भी है, मॉलिक्यूल एक होगा तो इक्वेशन विल बी PV = kT। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल ऑफ अ गैस 3/2 RT, ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, ठीक है, 3/2 kT, अगेन डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, वेलोसिटी स्क्वायर है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वॉल्यूम के इन्वर्सली और काइनेटिक के डायरेक्टली, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनके प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इन्वर्सली। फिर एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ
कंबाइंस टू फॉर्म पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और फिर आपने इनके जो ग्राफ्स हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इन्हीं चीज़ों का जिक्र एक दफ़ा मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दोबारा लेकर आऊँगा। फिर जो चीज़ें टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ लीनियरली रिलेटेड है, जैसे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, प्रेशर डायरेक्टली है, काइनेटिक डायरेक्टली है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि अगर फ्लॉ टेम्परेचर पे जो आपके पास वॉल्यूम है वो वी वन है, तो बताएं वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पे वॉल्यूम टू टाइम्स ऑफ वी वन हो जाएगा। अब यहीं पे प्रेशर को भी लिख सकते हैं, यहीं पे काइनेटिक एनर्जी को भी लिख सकते हैं, तो आप ये शॉर्टकट लगाएंगे। अगर आरएमएस स्पीड पर आएँ तो 3 RT/m मोलर आरएमएस स्पीड है, और वी आरएमएस में 3 KT/m आ जाए तो ये मॉलिक्यूलर आरएमएस स्पीड है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रिलेशन मॉलिक्यूलर है, यहाँ पे आरएमएस डायरेक्टली टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्क्वायर रूट है। शॉर्टकट इस पे क्या लगेगा, T2 इज इक्वल टू n²T1। सेम यही शॉर्टकट आप स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 में एग्जाम्पल 8.1 पे भी ट्राई कर सकते हैं। ऑल राइट, फिर एक बड़ी मजे की इन्फॉर्मेशन कि अ प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर। एक प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर उसकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो लेस देन एस्केप वेलोसिटी होगी। यानी ये एक प्लैनेट है ना, तो उसके गिर्द एटमॉस्फेयर है, अब उसमें मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, तो अगर उस प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है आरएमएस वेलोसिटी अगर उससे ज़्यादा हुई तो मॉलिक्यूल्स तो एटमॉस्फेयर को छोड़ के निकल जाएंगे। तो अगर उसकी आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होगी तो उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर होगा। अर्थ हैज एटमॉस्फेयर, इट मींस इसकी आरएमएस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है। मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर, इसका मतलब है चांद पर जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के उनकी आरएमएस वेलोसिटी ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी। फिर ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कि वी स्केयर वी वन स्केयर प्लस वी टू अप टू वी एन, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं वो आपने खुद भी सपोज करके दो मॉलिक्यूल्स तीन चार जितने भी सपोज कर लें। अगर आपसे कहा जाए मीन स्क्वेयर वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करनी है तो ये रिलेशन, अगर कहा जाए रूट मीन स्केयर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो फिर ये रिलेशन यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज कॉन्सेप्ट जो थे, इससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया जाए उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।